Good afternoon. Welcome in our Doctor Live. Myself Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. और आज हमारे साथ Doctor Live में हमारे साथ हैं Dr. Binay Kumar Sahoo, Senior Consultant, Orthopedics and Joint Replacement. Welcome sir, welcome in our Doctor Live. आज हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में. सर जानना चाहेंगे कि ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है. ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, मैं आपको इस मॉडल के माध्यम से बताना चाहूँगा. ये जैसे एक नॉर्मल नी है, ये जो नी है हम इसको नॉर्मल इसलिए कहेंगे कि ये जो स्मूथ सरफेस होता है दो बोन्स के बीच में, ये थाई बोन है और ये लेग बोन है. थाई बोन एंड लेग बोन के बीच में जो जॉइंट होता है उसे नी जॉइंट कहते हैं. और जो जॉइंट इसीलिए होता है क्योंकि बोन के एंड्स में, जो थाई बोन के एंड्स में और ये लेग बोन के इनिशियल पार्ट में जो ये स्मूथनेस होती है, ये कार्टिलेज कहते हैं हम इसको. ये कार्टिलेज अगर होती है, ये स्मूथ होती है, तो ये नी जॉइंट फंक्शनल होता है. जब ये कार्टिलेज खराब हो जाती है, जैसे एज के साथ वियर एंड टियर होता है, या फिर कोई और चीज, जैसे कई बार लोगों को इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन के कारण बोन एंड कार्टिलेज को मतलब नुकसान पहुंचता है, तो वो नुकसान होने के बाद ये जॉइंट खराब होती है. तब ये जॉइंट का मेन पर्पस ये होता है कि जॉइंट से ही हमारे को मूवमेंट मिलती है. तो ये मूवमेंट हमारे को वापस पाने के लिए हमारे को ये जॉइंट के स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है. तो इसी जॉइंट को स्ट्रक्चर को चेंज करने को हम लोग नी जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं. तो दिस इज व्हाट इज नी जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसे कहते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट इज चेंज एंड एक वो आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देते हैं इन प्लेस ऑफ द नॉर्मल नी जॉइंट. दैट इज ए नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी. सर क्या इंडिकेशंस होती है, मतलब कैसे कैसे किन किन लोगों को ये जरूरत पड़ती है नी रिप्लेसमेंट? अगर देखा जाए तो मैक्सिमम केसेस में जो एजिंग के साथ हमारे जॉइंट्स थोड़ी वीक होती हैं, उसके साथ मतलब ये जॉइंट की जो वो स्मूथनेस, हम अपने लाइफ लॉन्ग ये नी जॉइंट को यूज करते हैं, तो ये ना वियर आउट हो जाती है. तो ये जो कार्टिलेज है जो यहाँ पे ब्लू कलर से डिपिक्ट कर रहे हैं, तो ये थिन हो जाती है. थिन होने के बाद ये अंडरलाइंग बोन्स होती है, वो बोन्स एक्सपोज हो जाती है. तो बोन एक्सपोज होने के कारण इसकी मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है, प्लस इसमें पेन आना स्टार्ट बहुत हो जाता है. तो एक तो मूवमेंट कम हो गई, प्लस एक पेन आने वो पेन आती है. तो पेन एंड मूवमेंट के कारण ही जो मोस्ट प्रॉब्ली एजिंग प्रोसेस में होता है, तो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं. अभी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अदर देन एजिंग प्रोसेस, कई बार हमारे को यहाँ पे जॉइंट के सामने फ्रैक्चर होता है, तो वो फ्रैक्चर होने के कारण भी ये जॉइंट की स्ट्रक्चर खराब हो जाती है. तो लॉन्ग टर्म में अगर जॉइंट में फ्रैक्चर हो और वो जॉइंट का स्ट्रक्चर अगर हमने अच्छे से उसको ठीक नहीं किया, तो इन द लॉन्ग रन उन्हें भी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. प्लस बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं कि जिनमें नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात होती है, कि अगर जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई गठिया वाली बीमारी हो जाए जिससे जॉइंट खराब हो जाती है, तो वो रेयर कॉजेस होते हैं जिनमें नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. सर अगर हम बात करें नी रिप्लेसमेंट की, बहुत बार पेशेंट्स का ऐसा कहना होता है कि हमें डॉक्टर्स ने ये कहा कि आपको पहले वेट कम करना पड़ेगा, क्या ये जरूरी है कि जिनको नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें पहले वेट पे कहा गया है कि वेट पे फोकस करने का रिक्वायरमेंट है, क्या ये कितना जस्टिफाइड है? सर अगर मान लीजिए कि पेशेंट अपने मिडिल एज में है और वो पेशेंट थोड़ी सी ओबीज मतलब ऑन द हायर वेट साइड में है, तो जैसे मैंने बताया ये जो हमारा जो बॉडी का वेट होता है ये नी जॉइंट के थ्रू ही जाती है. तो ये सारे स्ट्रेस जो बॉडी का स्ट्रेस जो वेट के कारण आता है वो जॉइंट के थ्रू जाती है. अगर हमारे को नी जॉइंट को इंटैक्ट रखना है, उससे मतलब वियर एंड टियर चेंजेस को थोड़ा कम करना है, तो ये एक मतलब अच्छी इंडिकेशन है, या मैं उसको कहूँ कि ये अच्छा है कि हम बॉडी का वेट थोड़ा कम रखें ताकि नी जॉइंट में स्ट्रेस कम हो और वो नी जॉइंट का वियर एंड टियर चेंजेस थोड़े से कम रहे. एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से जॉइंट के साथ वो चल पाए. अगर हम लोगों ने जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कर दिया और वो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी अगर मान लीजिए कि कोई अपना पर्सन जो है अपना वेट कम नहीं कर पा रहा है, तो वो जॉइंट की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस उसमें ज्यादा बिकॉज ऑफ आवर वेट और ऑफ हिज वेट.
तो ये है कि जॉइंट अगर आप वेट रिडक्शन करते हैं तो दिस इज अ गुड थिंग टू इट। ओके सर, अगर हम सर्जरी टाइम की बात करें कितने घंटे का ये ऑपरेशन रहता है? ये जनरली अगर सिंगल जॉइंट का करते हैं तो 1.5 hours टू 2 hours एट मैक्स का टाइम होता है। अगर दोनों घुटने एक साथ बदलते हैं तो 2.5 से 3 घंटे में तकरीबन हो जाते हैं। ओके सर, और कितने दिन का हॉस्पिटल स्टे रहता है एक पेशेंट का? हम अगर सिंगल जॉइंट के लिए अगर हॉस्पिटल स्टे का देखें तो जैसे पोस्ट ऑफ डे वन को जनरली हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखते हैं और पोस्ट ऑफ डे टू में उसकी हम लोग वो ड्रेसिंग चेंज वगैरह करते हैं और डे टू से वो फिजियो वगैरह स्टार्ट वो करवा देते हैं। तो सिंगल नी जॉइंट डे 4 डे 5 तक पेशेंट फिट हो जाता है डिस्चार्ज के लिए। तो डे 5 एट मैक्स डे 5 में डिस्चार्ज करते हैं। अगर दोनों नी जॉइंट हम रिप्लेस करते हैं तो मान लीजिए कि डे 7 या डे 8 एट मैक्स वो कर देते हैं अगर बाइलेटरल करते हैं। सर, और अगर मैं रिकवरी पीरियड की बात करूं, क्या रिकवरी पीरियड रहता है? कितने टाइम के बाद एक नॉर्मल लाइफ अपनी वो पेशेंट जी सकता है? नॉर्मली चलना फिरना बाहर जाना? अगर मैं फिर से अगर सिंगल एंड बाइलेटरल के लिए कहूं तो जैसे जो हमारा नी जॉइंट होता है ना, ये वेट बियरिंग जॉइंट होती है, तो और हमारे इम्प्लांट्स भी ऐसे होते हैं कि वो मतलब डे 1 से पूरा उसमें वेट लगा सकते हैं। और क्योंकि नी जॉइंट वो काफी हम बोन में जाके उसके वो स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, तो उसकी सर्जरी के थ्रू के लिए वो हमारे को स्किन में इंसिशन लगाना पड़ता है, प्लस वो मसल्स को काटते हुए बोन की तरफ जाते हैं। अगर किसी की एज ज्यादा है, अगर मानिए कि 70+ ईयर्स के हैं कोई, तो उनमें थोड़ी सी सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग टाइम, जो मसल्स और स्किन की हीलिंग टाइम है, वो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड हो रहता है। अगर कोई यंग आदमी है बिलो 60 या फिर 60s में है तो उनकी हीलिंग टाइम थोड़ी अच्छी होती है, तो उनके लिए रिकवरी पीरियड थोड़ा सा कम होता है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो जो स्टिचेस होते हैं वो स्टिचेस एट डे 15-16 को हम लोग हटा देते हैं, तो स्टिचेस हटाने के बाद ही मतलब लोग फ्री है बिल्कुल अच्छे से मूव वगैरह करने के लिए। ओके सर, इसमें जो हम इम्प्लांट्स यूज करते हैं, उन इम्प्लांट्स की अगर हम बात करें, उनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, कितने टाइम तक? आजकल जो मार्केट में इंडियन इम्प्लांट्स भी है वो अवेलेबल है और वो इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स भी अवेलेबल है, और मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इंडियन इम्प्लांट्स है वो एट पार विद फॉरेन इम्प्लांट्स है। वैसा नहीं कि काफ़ी मतलब वो इन्फीरियर है या फिर चीप है तो शायद क्वालिटी ख़राब होगी, लेकिन ऐसा वो नहीं है, मतलब काफ़ी लाइफ अच्छी होती है। और अगर देखा जाए तो एक नी इम्प्लांट जो है अराउंड 15-20 ईयर्स तो लास्ट करती है आराम से, आज के एज में, आज की जनरेशन ऑफ इम्प्लांट्स में। ओके तो अगर मान लीजिए कि कोई अगर पेशेंट अपने 50s में नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाता है तो 70-75 तक उसकी जो फिर से जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने की मतलब चांस हो सकता है। तो लाइफ टाइम में एट मैक्स 2 बार अगर रिप्लेसमेंट करवाते हैं, अगर कोई पेशेंट 50s में है तो। अगर मानिए कि कोई पेशेंट 60s में है तो सिंगल 1 टाइम ही इम्प्लांट मतलब एक बार ही ऑपरेशन कराते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग वो चली जाती है, तो कोई इसमें सेकंड टाइम वाली बात नहीं। सर, अब कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जैसे अगर हम बात करें प्रॉब्लम की, बहुत ही सीवियरिटी लेवल उतना नहीं हुआ, तो क्या नी रिप्लेसमेंट के अलावा भी हमारे पास कोई प्रोसीजर है जो हम कर सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो सर्जरी अवॉइड करते हैं या जिनके अभी अर्ली सिम्टम्स ही आ रहे हैं? जैसे अर्ली सिम्टम्स में हमारे पास ये मॉडल, ये तो मैंने नॉर्मल वाला दिखाया था, अर्ली में देखेंगे तो ये वाला है। तो ये अगर मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा नी का इनर एस्पेक्ट है और ये आउटर एस्पेक्ट है। जो अर्ली चेंजेस होते हैं जो एज रिलेटेड, वो मेनली इनर एस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। ये जो आप रेडनेस देख सकते हैं, ये डिजीज बता रहा है कि इनर एस्पेक्ट में वियर एंड टियर वो चेंजेस हुए। तो ये वाले स्टेजेस में हमारे पास तो ऑप्शन काफ़ी कम है, लेकिन है एक तो हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे स्पेस इंक्रीज करने के लिए, तो स्पेस इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक ना ब्रेसेस का ऑप्शन होता है जिसको वेरस ऑफलोडिंग नी ब्रेस कहते हैं।
तो ब्रेस का फंक्शन यही होता है कि ये यहाँ की जो इनर साइड का है वो स्पेस बढ़ाने की वो कोशिश करता है। स्पेस अगर वो बढ़ती है तो कार्टिलेज के लिए थोड़ा सा मतलब एक एडिशनल स्पेस मिलेगा, थोड़ी थोड़ी सी हीलिंग भी इंक्रीज होने के वो चांसेस होते हैं। प्लस आजकल के टाइम पे पीआरपी इंजेक्शंस भी होते हैं, स्टेम सेल इंजेक्शंस भी वो होते हैं, प्लस एक जो लेमन टर्म में कहा जाए कि अंदर जो ग्रीस का इंजेक्शन जो होता है, तो वेरियस जो नी जॉइंट फ्लूइड जो जिसको लेमन टर्म में ग्रीस का इंजेक्शन कहता है, तो वो भी अर्ली स्टेजेस में लगा सकते हैं। बट जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, ऐसा नहीं कि एक जने में अच्छा काम किया तो सब में अच्छा काम किया, वो वेरी करता है। लेकिन ब्रेस का जो ऑप्शन है वो अर्ली स्टेजेस में ब्रेस काफी यूजफुल भी होता है और उसके मतलब डिजीज प्रोसेस को वो थोड़ा डिले करवा देता है कि उनकी नी रिप्लेसमेंट थोड़ी और मतलब इन टाइम थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, जल्दी ना हो। तो अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जरूरी है कि आप सर क्लिनिकली पेशेंट को देखें। हाँ, क्लिनिकली देखें। हाँ, क्लिनिकली तो बहुत जरूरी है कि पेशेंट पहले अगर वो नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच भी रहा है तो हो सकता है कि उसे नी रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट ना, अगर वो अर्ली स्टेजेस में हमारे पास आए, हमने एक्सरे करवाया उसका, वो एक्सरे में देखा कि अर्ली ग्रेड्स है, तो शायद हम उसकी नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट वो नहीं रही होगी। अगर हम उसको ब्रेसेस वगैरह दे, कोई इंजेक्शन वगैरह दे, तो उसे डिले कर सकते हैं, उस चीज को हम डिले कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने कितने साफ शब्दों में हमें समझाया नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, इम्प्लांट्स की लाइफ स्पैन क्या है, और ये भी हमें पता चला कि अगर आप अर्ली स्टेज पे आते हैं, अगर आप, बिकॉज हम घर बैठ के यही सोचते हैं कि आप तो घुटने चेंज करवाने हैं, ये जरूरी नहीं है। आप एक बारी विजिट कीजिए, अपने ऑर्थोपेडिशियन से अपना केस अच्छे से डिस्कस कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको सर्जरी का ही रिक्वायरमेंट हो, ये भी हो सकता है कि जो इसके ऑल्टरनेट्स हैं, अगर आप अर्ली स्टेजेस पे आ रहे हैं तो आपको वो ट्रीटमेंट भी मिल पाएगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सवाल आ रहा है और नी रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर लिखें और अपना फोन नंबर भी लिखें, हम खुद आपको कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।